हेलो जी, हेलो हेलो, हेलो हेलो जी, क्या हाल चाल है जी आप सबका। आपकी वीडियो आ गई और बढ़िया हो गया। हाँ, बहुत बढ़िया ही होना चाहिए। चलो जी, आज बनाते हैं एक और टेस्टी टेस्टी स्नैक। सिंपल है कि नहीं? ठीक, बहुत सिंपल है, मज़ा आता है बना के। पक्का पक्का कर लो एक बारी। आ जाओ फिर बनाते हैं। चलो जी, ठीक है जी, ये मैंने पैन रख लिया, थोड़ा सा इसमें मैंने डाला ऑयल, इसमें बटर, ठीक है जी। साथ में मैंने थोड़ा सा डाल देना जी जीरा। ओके जी, ये देखो, थोड़े प्याज हैं, शिमला मिर्च है और रेड बेल पेपर है, ठीक है। इसको डाल देंगे मतलब पहले। लाल शिमला मिर्ची लाल शिमला मिर्च है जी, है। एवें की मुंह बना बना के बेल पेपर के ही जाओ। शिमला मिर्च है जी, लाल वाली। इजी स्नैक, बच्चों को बड़ों को सबको अच्छी लगती है। ये तो घर गेस्ट आने वाले, यदि पहले तैयारी करके रख लो, उन्होंने आया एकदम फ्राई फिर तो अभी क्विक रहेगी। कर लो, बहुत क्विक। ओके बस इतना सा ये हो गया। अब ये दोनों डाल देने हैं। ठीक है। डाल दिया, इधर मैंने हल्की सी जगह बना के थोड़ा सा जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च का पेस्ट है, ये भी इन्हीं के साथ ही कर लेना है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, तो ये थोड़ा जल्दी हो जाएंगे। स्वाद के अनुसार हमने इसमें डाल लिया नमक। इतना कटौती करना है, पूरा पकाना है हाँ, या पूरा नहीं थोड़ा पकाना, क्रंच हल्का सा रखना है? क्रंच रखना है, ओके, क्योंकि हम फिर इनको जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट फ्राई होएगा अच्छा नहीं तो होने तब भी, पकाना है। हाँ हाँ तब भी ठीक हो जाएगा ना जी। है जी, इसमें ग्रीन चिल्ली डाल दी हमने, ठीक है ठीक जी। है। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से रखो, और थोड़ी सी रेड चिल्ली डाल ली, और एक चम्मच अपने हिसाब से, इस मसाले के हिसाब से मैंने ये छोटा सा एक टमाटर समझ लो, ये मेरे कैन वाले हैं, आप ताज़ा एक टमाटर डाल लो, और इसमें हल्की सी हल्दी भी डाल लो बेशक, थोड़ी सी बस। तो रंग रूप ही बदली जा रहे, एक से एक बढ़िया से बढ़िया चीज डाली जा रहे हो। ये टमाटर भी हमारा हो गया, अब हमने इसमें डाल देने हैं जी। ये एक आलू था, ये मैंने बॉईल कर लिया माइक्रोवेव में, और इसको इसके बीच में डाल देना। चलो जी, इसमें हमने डाल देना है जी ये पाव भाजी मसाला, एमडीएच का ये है, अच्छा आप किसी भी ब्रांड का डालो, आपकी इच्छा है। चलो जी, अब हम इसको जरा अच्छी तरह मैश करके ना फिर मिल रहे हैं जी तुहानू। ठीक है, ये देखो जी, ओके जी, पूरा ये मैश कर लिया तो पूरा ये। मैश कर लिया, हल्का सा इसमें हमने लेमन जूस डाल लिया, और साथ ही ये डाल दिया धनिया। है, पाव भाजी बनी है पूरी, ये तो बड़ी क्विक पाव भाजी बनी है। लो जी, ये हमारा जो भाजी वाला मटेरियल है ये हो गया तैयार, फिलिंग हमारी तैयार होगी, भाजी वाली फिलिंग, ओके। ठीक है जी। अब हमने इसको निकाल लेना है जी एक प्लेट में, ठीक है जी, फिर फिर इसको कर आपसे लेना मिलते ठंडा। हैं। हाँ जी, इसको थोड़ा सा ठंडा कर लें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं करना। ओके हाँ जी, ये हमने ली ब्रेड, ठीक इसके है, कोने निकाल इसके लिए, सिर्फ कोने, हाँ कोने हमने निकाल लिए, और इसके कोनों कोनों पे हमने चुंडियां मार ली, चुंडियां मार ली, और हल्का हल्का कोनों पे पानी लगा देना है, ठीक है। ठीक है। पूरी ब्रेड नहीं हमने भिगोनी, क्योंकि ये ना बहुत सॉफ्ट ब्रेड है। ये देखो, ये हो गया जी, पानी लगा लगा के इसको गिल्ला कर लेना है, ओके जी, कोने हमने अच्छी तरह कर लेने हैं गिल्ले। ठीक है जी। अब हमने ये हमारा जो मटेरियल है ये हमने हाँ रखना जी, है एक तरफ, यहाँ हाँ जी, रख दिया, हाँ जी, रख दिया जी। रख दिया जी। अब हमने पीछे यहाँ मेरा कोई अलार्म भी बज गया, पता नहीं कौन सा। सुबह उठने वाला अलार्म है हाँ ये, हमने यहाँ भर दिया इसको। ओके जी, खोया डाल दिया इसमें। ओए खोया नहीं है, चीज है, ऐवें ना पुट्ठा दसी जा। इसको अब हमने कर लेना है ऐसे बंद, पैटी बना देनी है, पैटी सी बन, ये देखो हमने पानी लगाया ना, इसको दबा देना है। ठीक है, चुनिया मार मार के टाइम लगा के बंद कर लेना है। हाँ, बेशक इन्हें तुसी राउंड शेप भी दे सकते हो, हाँ जिवें आपां ब्रेड रोल बनाई दे, वो तुहाडी अपनी इच्छा है, ठीक है, पर असीं इहनूं इस तरह बनाने आ। हल्का सा पानी इसको दबाया बस, पानी कोने, से सील हो जाता है हाँ ना, इस तरह सील कर लेना है, ठीक है। हल्का सा पानी का हाथ। अब इसको अच्छी तरह, ऐसे करिए, ठीक है, अब एक और मैं बना के दिखाती हूँ, ठीक है जी। फिर हम मिलते हैं। अब आप बोलोगे कि इसमें क्या तीर मारा है, ये तो आलू डाल के भी बना सकते हैं,
लेकिन एक बार इस तरह बनाओ पाव भाजी भाजी में पा के देख। अच्छा फ्लेवर है और हाँ। और इतना अनएक्सपेक्टेड चीज है ना, अगर ऐसे हाँ। दिखने में लग रहा है कि आलू वाला रोल है पर खाओ तो पाव भाजी वाला। ये इसको हमने ऐसे अंदर दबा के ना, ये देखो ऐसे अंदर दबाया और ऐसे फोल्ड कर दिया। अलग अलग ब्रेड का बहुत हाँ, पिछली बारी ब्रेड थी ना जो, उसको मैंने पानी में भिगोया था पूरी तरह। हाँ। अब ये हमने ये कर दिया, ठीक है, ये देखो बन गया ना। हाँ। ऐसे हम बाकी के बनाते हैं और आपसे मिलते हैं, ठीक है। ये देखो ये मैंने बना लिए पैटियां, बन गई पैटियां, अच्छी तरह से साइडों से कर लिया हमने सील, ठीक है। अब हमने इसको डाल देना है ऑयल में, प्यार प्यार से तलना है इनको। इनको तो चला रहा थोड़ा डेलिकेटली। हाँ। कितनी देर लगती है, एक मिनट डेढ़ मिनट ज्यादा से ज्यादा? हाँ ऐसे बस जब गोल्डन ब्राउन हो जाए इनको हाँ, उतार लो। ब्रेड ब्रेड का भी फर्क, जिवें आपा ब्रेड रोल बनाने आने थे। हाँ। ये बिल्कुल ओ वाली है मेथड। अगर आपकी ब्राउन ब्रेड है तो वो जल्दी ब्राउन हो जाए। हाँ ये बिल्कुल ब्रेड रोल है लेकिन इनकी शेप हमने ये दे दी है, तुसी गोल बना लो ब्रेड रोल वांगो बना लो, लेकिन मटीरियल गल मटीरियल दी है सारी। मैं ना स्टार शेप में बनाऊंगा। जो मर्जी बनाओ लेकिन जो मैंने पहले इसकी फिलिंग बनाई है ना वो बिल्कुल ऐसे बनाना, एक बार बना के देखना मजा आ जाना आपको, बारी बारी यही बनाओगे। ठीक है जी, लो जी इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो, देखो यार फिर तो सारे बनाई हो। जो चीजें मैंने बहुत बार बनाई है ना मैं वो ही बताती हूँ। ये लो ये हो गए हैं हमारे, इनको हमने लिया है निकाल। ये देखो जी क्रिस्पी करा रहे गोल्डन ब्राउन, क्या बात है गरम है। एक बात बताऊं आपको, इधर देखो टाइम दिखा, टाइम है 12:11 और बाहर है अंधेरा, रात के 12:11 हो रखे हैं। हाँ। और असी बनाते पे साडा खान दे मूड है, असी सोचा फिर वीडियो क्यों ना बना लिए। हाँ। अगर बना ही रहे हैं तो वीडियो भी बना लेते हैं, बैक मम्मी तैयार हो जाओ। हम ऐसे ही काम करते हैं। हाँ। चलो जी ये गर्मा गर्म, ओ हो, अब इसको हम ओ ये देखो, ओ हो क्या बात है, क्राउडी टेस्ट जल्दी। ऐसे ही कर पहले चटनी के बिना, ऐसे करो, मैं पकड़ लेता हूं गरम है। तारे यहां तक आ रही है। हां ये ना, ओहो ओहो कैसा टेस्ट आ रहा है। जब इंडिया जाते थे ना पाव भाजी खाने, हां हम भैया को कहते थे भैया पाव करारा कर दो, ये करारा है, बिल्कुल क्रिस्पी ऐसा पाव चाहिए होता था, बहुत ही बढ़िया। ले और खा, खिलाओ। ये देख ओए होए ओए कितना देख कितना खींचे इसका। चलो जी क्या बात है, खत्म ही नहीं होने को आ रहा। चलो जी अब मैं खा के बताती हूँ, गरम बहुत है पर आया ना जा रहा। 12 बजे तो ये चीजें वैसी बहुत बढ़िया लगती है, तिखी तिखी भाजी है। अंदर वाला मटेरियल है ना जेड़ा वो थोड़ा तिखा रखे हो और खट्टा चटकारेदार, मतलब जेड़ी आंख बंद हुंदी है ना लेमन जूस, मजा आ गया। तुसी भी इस तरह बनाने हो मैनू दसो, ते जे नहीं बनांदे तां इस तरह जरूर बनायो। बड़े फंक्शन आते हैं, बड़े छुट्टियां छुट्टियां घर से सेलिब्रेशन होती है, या वैसे भी हुण इत्थे कड़ा कोई सेलिब्रेशन है, राती 12 बजे केड़ी सेलिब्रेशन है साडी। ये सेलिब्रेशन है कि 12 बजे ब्रेड पकौड़े खा रहे हैं, सॉरी ब्रेड रोल। जिंदगी सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेट कर लो, दुख बहुत है सेलिब्रेट करो। नाम ये है भाजी चीजी पॉकेट्स, चीजी भाजी पॉकेट्स। बाकी एंड में नाम तो वो मैडम जी डिसाइड करेंगे, जिन्होंने एडिट करनी, जिन्होंने एडिट करनी है वो नाम डिसाइड करेंगे। हाय मेरा दिल करता मैं खाई जाऊं, खाई जाओ खाओ कोई चक्कर नहीं। चलो जी बाय बाय कर दे। हां जी हुन सीरियस हुन्ने आ। हां जी साडे तां ये बन गए जी, पॉकेट्स बन गईयां साडियां चीज वालियां। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓ, ਜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਔਰ ਬਤਾਓ ਕਿ ਕੈਸੇ ਬਣੇ। ਔਰ ਜਬ ਤੱਕ ਹਮਾਰੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਬ ਤੱਕ ਹਮਾਰੀ ਹਾਏ ਬਾਏ ਬਾਏ।